Once upon a time, there was a person named Ajamila. He was a very pious person in his early life. But once he saw a prostitute kissing another man, and by that sight he was bewildered. And then, in order to get that prostitute, he begged, borrowed, and stole anything and everything that he could. And after leading this sinful life, he, at the end of his life, got very ill, and he was in his deathbed. But one of his son's name he kept as Narayana, and in the deathbed he called his son Narayana. Narayan beta kaha tum beta kaha beta कर सकते हो
मैं एक बेसा पत्नी के गर्भ में
संतान उत्पन्न किया। मैं अपने माता पिता को बाहर से निकाल दिया। मैं कितना पापी हूं, मैं एक ब्राह्मण के पद से गिर गया। मैं अपने सभी ब्राह्मण गुणों को नष्ट कर दिया। कहां गए वो सुंदर व्यक्तियों जिसने मुझे नरक से बचाया? कहां गए वो भयानक देखने वाले व्यक्तियों? नहीं, मैं आज से प्रण लेता हूं कि मैं अपने जिंदगी कृष्ण की सेवा में नियोजित करूंगा। मैं अपने मन को, इंद्रियों को पूरे तरीके से नियंत्रण करके अपने जिंदगी को तपस्या में गुजारूंगा। मैं ये प्रण लेता हूं। अजामिल को, अजामिल के हृदय को परिवर्तन कर दिया था। ऐसे वो अपने अपने सारे बुरा कर्म को छोड़ के हरिद्वार के रोजन को जमराज के सेवकों विष्णु युद्ध के दौरान पराजित होने के बाद जमराज के पास आते हैं। जमराज जमा रहे हैं सेवकों, बोलिए। हे स्वामी, आज मैं कोर्ट का भ्रमित हो चुका हूं। आज मैं अजामिल के पास गया था और जैसा ही मैंने जब्बास लेके अजामिल को पकड़ा, जैसे वैसे ही चार विष्णु पर आए और उसके जब्बास को काट दिया। हे स्वामी, इस संसार में इतने प्रदेश हैं और इतने प्रदेशों में अनेक शासकों हैं, अतः इस शासकों के अलग अलग नियम हैं, अलग अलग कानून हैं, और सारे कानून और नियम एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये मैं इन सारे नियमों में किस नियमों का पालन करूं। अतः हे स्वामी, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे क्या करना चाहिए। हे मेरे प्रिय शिवको, आप लोग मानते हो कि मैं परम नियंत्रता हूँ, लेकिन परम नियंत्रता भगवान स्वयं कृष्ण है और ये भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड उन्होंने ही सृष्टि किए हैं। और ये परम भगवान जो भगवान स्वयं कृष्ण है वो सिर्फ मैं ही नहीं मानता हूँ, भगवान नारद, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, चतुष्कुमार, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, विष्णुदेव और तो और शंभु मनु एंड और मैं भी इस भगवान श्री कृष्ण के बात पे चलता हूँ। और ये जो 12 जन अथॉरिटी है, जो 12 जन महाजन है, ये भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। और जो सारे जीवात्मा का परम धर्म है वो है भगवत धर्म, और वो शुरुआत होते हैं भगवान का नाम का उच्चारण करके, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये भगवत धर्म साधारण मनुष्य लोगों के लिए नहीं है, वो बहुत ही गुरु तत्व है, और जो भगवान व्यक्ति है वही इसको समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे सेवकों, आप लोग उस आदमी लोगों के पास जाइए जो पापी है, जो चार नियम का लंघन करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, अवैध दृष्टि संग करते हैं। सो उस पापी लोगों को आप पकड़ के लाइए और उसको मैं दंड दूंगा, उस गधे लोगों को पकड़ के लाइए। लेकिन मेरे प्यारे सेवको, आप उस भक्त लोगों के पास मत जाइए जो भगवान कृष्ण का भक्त है, क्योंकि मैं भी उन लोगों को कुछ दंड नहीं दे सकता हूँ। इवन ब्रह्मा और ये जो पूरे समय उसको भी उनको दंड दे नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण के चरण आश्रित है। सो मेरे प्रिय सेवकों, आइए देखिए किस तरीके से ये भगवान का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करना कितना सिंपल तरीका है, और इसके दौरान अजामिल जो भगवान का बड़ा भक्त बने। और हम लोग देख सकते हैं कि हालांकि अजामिल उस बच्चे को बुला रहे थे, लेकिन क्या उस टाइम पे वो जो मरने के टाइम पे भी भगवान नारायण का नाम लिए? हालांकि कोई भगवान का सही से नाम भी ले नहीं पाते, लेकिन दिल
अंदर से अगर वो मन से भगवान को सही तरीके से पुकारते हैं तो भगवान उसको ये भव समुद्र से रक्षा करते हैं और उसको भगवत धाम में लेके जाते हैं। सो आइए हम लोग ये जो बहुत बड़ा अपराध कर चुके हैं कि अजामिल जैसे शुद्ध भक्त को जो अपराध सुन होके भगवान का नाम लिए थे उसको हम लोग पकड़ने गए थे, तो आइए हम लोग भगवान से माफी मांगते हैं कि हम लोग को भगवान माफ कर दे। हे भगवान स्वयं कृष्ण, आप सर्वगामी हो और आप सबकी कृपामय हो, सो करुणा का सागर हो, सो आप कृपया करके हम लोगों पे ये जो अपराध हुए इसको आप क्षमा कर दीजिए। हरिद्वार में अजामिल एक विष्णु मंदिर में ठहरे, भक्ति योग का साधना स्टार्ट किए और वो अपने सूर्य इंद्रियों को वशीभूत कर लिए थे। वे अपने मन को भगवान के श्री चरणारविंद में समर्पित कर दिए थे और जब उनके मन तथा बुद्धि भगवान को पर संपूर्ण रूप से केंद्रित था, फिर से वही विष्णुदेव उनके पास आए उनको वैकुंठ ले जाने के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।